जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। यह आपकी रिवीजन सीरीज की 10वीं क्लास है, ठीक है। इसके पहले आपके 9 क्लासें हो चुकी है। जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं, ठीक। और देखिए आज इस क्लास का सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है यह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से है, ठीक। और आपका जो एसएससी एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है वह बिल्कुल कंप्लीट करवाया गया है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है सबसे पहले जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसके बाद ही आप इस रिवीजन सीरीज को देखिए, ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा उन सभी क्वेश्चन को आप बनाने का भी प्रयास करिए और उसका आंसर भी करिए, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसका आंसर करिए। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक। और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दो। देखो ध्यान से, आपका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका है कि वर्गमूल यहाँ पर आपको निकालना है किसका। ये देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक। तो देखो ध्यान से आप लोग इसे कि यहाँ पर जो है दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 जो यहाँ पर दिया है, तो आपको यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि यह किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और यह तो है ही एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर यह कितना दिया, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक। यहाँ पर यह किस फॉर्म में हो गया है, एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, सम का जो आपका होता है आइडेंटिटी, यहाँ पर देखो यहाँ पर यह हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और जो सेकंड आपका यहाँ पर दिया है, यह देखो सबसे पहला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला कितना दिया 3 का स्क्वायर, बीच वाला है कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक। यही ना होगा, तो यहाँ पर यह किस फॉर्म में है, यह है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, किया हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में यहाँ पर यह वाला है और यहाँ पर यह है जो आपका इस फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फर्स्ट वाला दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से यह कितना हो जाएगा टोटल, देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंडर रूट यह हो जाएगा, देखो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आप क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ देखो जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा कि एक्स माइनस 7 और सेकंड वाला यहाँ से भी एक हमें बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा एक्स प्लस 3। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। नोट करिए आप लोग इसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। यह जो आपका क्वेश्चन दिया है आपका एलसीएम और एचसीएफ से है, ठीक। इसको आप लोग बनाओ। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर देखो इसका जो यहाँ पर क्या बताना है क्वेश्चन में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप कैसे बताएंगे कि ऑप्शन से, ठीक। यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि नंबर जो आपका दिया है पहला इसमें कितना है 57, ठीक। सेकंड वाला कितना दिया है 513, ठीक। और यहाँ पर इसका बताना है आपको क्या, यहाँ पर एच सी एफ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका मासा, ठीक। और देखो आपको क्लास में बताया गया कि हम किसी भी नंबर का लासा या फिर मासा हम कैसे निकालते हैं, बाय ऑप्शन से हम करते हैं, ठीक। वहां पर इसका हम गुणनखंड मेथड या फिर भागभेद वाले मेथड से इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन क्या दिया है, सबसे पहले इसको यहाँ पर नोट करो। पहला दिया है 10, दूसरा कितना 57, तीसरा दिया कितना 3 और चौथा कितना दिया 27। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपको वह बड़े से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है जिससे दिया गया नंबर जो है वह पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक। तो ऑप्शन में आप जब भी इसे चेक करेंगे कि बाई ऑप्शन से, तो वहां पर सबसे पहले आप जो सबसे बड़ा वाला जो
नंबर रहेगा उससे आप चेक करना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है? 57। 57 से सबसे पहले आप चेक करेंगे, इसके बाद आप चेक करेंगे अगर 57 से दोनों कैंसिल नहीं हुआ तो आप चेक करेंगे 27 से, 27 से भी कैंसिल नहीं हुआ तब आप चेक करेंगे 10 से, और जब 10 से भी नहीं कैंसिल होगा तो आपका यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब इसको ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़े वाले ऑप्शन से इसको आप चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दिया कितना, पहला दिया 57, क्या 57 57 से कैंसिल होगा? होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर कैंसिल है। सेकंड वाला देखो कितना दिया, 513, 513 भागे कितना हो जाएगा यहाँ पर 57, क्या यहाँ पर 57 से कैंसिल होगा? तो देखो यहाँ से, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो 9 से 7 कितना हो जाएगा 63, कि अगर इसमें हम 9 से अगर इंटू करें, देखो यहाँ से अगर इसमें हम 9 से इंटू करें कितना यहाँ पर हो जाएगा 9 से 63, 3 हाँ से लगेगा कितना 6, 9 से 6 45, 45 से कितना हो जाएगा आपका 51। इसका मतलब यहाँ पर जो है संख्या जो दिया है यह 57 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 57 इसका। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसको बाई ऑप्शन से आप करेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, देखो इसका निकालना आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको करना है इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो यह बहुत इजी है, भी है। यहाँ पर क्या दिया, सबसे पहले अंडर रूट 11,000, देखो ध्यान से कि अंडर रूट 11,236। ठीक, गुणे में दिया कितना है यहाँ पर 86,49। इसे को आपको करना है सॉल्व। ठीक, और देखो ध्यान से, आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले क्लास में आपको बताया गया है कि इस प्रकार के स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक के द्वारा, कि 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालेंगे। ठीक, और देखो जिन लोगों का यह कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, सबसे पहले जाके अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला क्लास देखें। देखो अभी जो आपकी इस समय क्लास चल रही है पुलिस कॉन्स्टेबल की, उसमें भी आपका कल से स्क्वायर रूट की क्लासेस चलेंगी। ठीक, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, और वरना आप जैसे CMTS जो सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है तो उसमें भी इसकी क्लासेज हैं, तो वहाँ से भी आप स्क्वायर रूट की क्लासेस को आप देख सकते हैं दोबारा। देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से आप यहाँ पर बनाएंगे पेयर, कि दो दो का पेयर बनाएंगे, और इसके बाद पहला जो दो का पेयर बनेगा इसके बाद जितना नंबर रहेगा इन सबका हम एक साथ पेयर बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी देखो हम दो का पेयर बना के जितना बचा उसको एक साथ बना देंगे। लास्ट वाला डिजिट इसका कितना है, 6 है। तो अब हम ऐसे नंबर का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे कि उसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट वाला डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर देखो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा अंतिम डिजिट, 6 6 6 36, और इसके बजाय जब हम 4 का जब स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, तब भी आपका अंतिम डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी करो, यहाँ पर जो 9 दिया है ऐसे नंबर के स्क्वायर करो जिसका अंतिम डिजिट कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो 9 का जब देखो यहाँ पर 9 जो दिया है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, और अगर हम 7 का भी स्क्वायर करेंगे 7 7 49, तब भी इसका अंतिम जो अंक है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके पहले जो दिया है 112, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे नंबर का हम स्क्वायर लेंगे कि उसका जो स्क्वायर है वह 112 से कम आ जाए या फिर 112 के बराबर आ जाए, लेकिन वह 112 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर लें, समझो ध्यान से आप लोग, अगर हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर लेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, लेकिन यहाँ पर जो 121 है वह 112 से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर हम 11 को नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पर 10 को लें कि 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो 100 है वह 112 से क्या है, कम है। ठीक, लेकिन 112 के बराबर नहीं, तो 112 के कम है, लेकिन 112 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका आंसर आपको 2 मिल गया, कि यहाँ पर एक हो जाएगा देखो 10, और 10 के बाद लग जाएगा 4, और एक कितना हो जाएगा 10, और इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 6। कि यहाँ पर आपको इसका 2 आंसर मिल गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर कौन है, आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आपने लिखा है 10, जस्ट इसी का आप नेक्स्ट वाले नंबर से यहाँ पर इंटू करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो आंसर, नेक्स्ट नंबर से आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका नेक्स्ट नंबर क्या यहाँ पर हो जाएगा, 11 गुणे में 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर यह नंबर दिया है, अगर यह नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो बड़ा वाला इसमें से नंबर आंसर होगा,
अगर जो ऊपर जो दिया वाला दिया है या नंबर, अगर यह इस वाले नंबर से अगर छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर लेके आप इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपका 112 दिया है यह 110 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा जब है तो यहाँ पर आपका यह बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 106। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगले वाले को आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर आप जो दिया है यहाँ पर जो 86, 86 का यहाँ पर ऐसा आप नंबर लो जिसका स्क्वायर 86 से कम आए या फिर 86 के बराबर, लेकिन 86 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना आ गया, एक आ जाएगा 93 और एक यहाँ पर हो जाएगा कितना, 97। तो यहाँ पर चेक करने के लिए इसमें से कौन इसमें से राइट आंसर आपका होगा, तो इसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा, 10 10 इसमें 2 और कितना आ गया यहाँ पर 90। अब देखो जो यहाँ पर 86 है क्या है, 90 से बड़ा है। अगर 90 से बड़ा रहता है यहाँ पर जो दिया नंबर, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर जो 86 है 90 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब है यहाँ पर आपका छोटा वाला नंबर आंसर होगा, यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, 93। ठीक, अब देखो बीच में क्या लगा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको इंटू करना है कितने का, कि देखो यहाँ से आ गया जो आपका कि 106 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 93। तो इसका आंसर आपका देखो कितना हो जाएगा, देखो जब आप यहाँ पर इनका आप इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा, देखो 36 18। ठीक, 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। कितना यहाँ पर आ गया ऊपर वाला कि 318। ठीक, अब यहाँ पर देखो 9 से इसमें आप इंटू करो कितना हो जाएगा, 9 9 6 54। ठीक, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 9 9 9। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, कि 98 और 58, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह जो आपका क्वेश्चन दिया है आपका टाइम एंड वर्क से है। ठीक, इसको आप लोग बनाओ, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और आंसर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका कि ए और देखो ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, और यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी के साथ सहायता मिलती है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो ए को कार्य करने में, देखो जो ए जो कार्य कर रहा है इसमें 5वें दिन बी और सी भी इसके साथ काम कर रहे हैं, केवल 5वें दिन कि 4 दिन तक ए अकेले काम कर रहा है और 5वें दिन बी और सी की इसको सहायता मिल रही है। ठीक, और इस प्रकार से जो है कार्य है वह कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप निकालो टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखो ध्यान से दिया क्या कि ए बी और सी, ए किसी कार्य को कर रहा है 60 दिन में, बी कर रहा है उसी को कितना दिन में, 30 दिन में, और जो सी है वह इसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। यही ना दिया है कि 60 30 और 20। ठीक, तो यहाँ पर देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक, यहाँ पर हमको इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, कार्य करने की क्षमता पता चल गई है। और देखो बोला इसमें क्या है कि जो ए को कार्य में, देखो ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से एक साथ सहायता मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अब समझो ध्यान से कि जो ए है, देखो ध्यान से ए अकेले टोटल काम आपका यह है 60। ठीक, यह आपका है क्या, टोटल वर्क। सबसे पहले यहाँ पर देखो जो ए है, देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए सबसे पहले 4 दिन तक जब काम करेगा तो कितना काम करेगा, इसमें इंटू हो जाएगा कितने का, 4 का, तो 4 काम करेगा 4 दिन में। और 5वें दिन देखो ध्यान से, और 5वें दिन क्या हो रहा है कि जब अगला जो 5वां दिन जो आ रहा है उस दिन ए के साथ ए बी सी तीनों मिल के काम कर दे रहे हैं। ठीक, ए बी और सी, तो ए और बी सी जो है 5वें दिन, जब देखो अगला जो 5वां दिन यहाँ पर आएगा, इसको पहले हटाओ आप लोग,
यहाँ पर जो इसके अगला जो अगला वाला जो दिन आएगा कि एक दिन में देखो ये काम कर रहा है एक काम, तो चार दिन में कितना काम करेगा, चार काम। तो यहाँ पर पांचवा दिन जब एक दिन नेक्स्ट वाला इसका जो दिन आएगा तो उस दिन देखो यहाँ से आप लोग उस दिन, तो यहाँ पर देखो तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर देखो 3, 2, 5, 1, 6 कितनी है, 6 एफिशिएंसी 6। तो एक दिन में देखो पांचवें दिन कितना काम होगा, यहाँ पर 6 काम होगा, या देखो पांचवें दिन का काम है, पांचवें दिन ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे, ए बी और सी, कहने का मतलब यहाँ पर बी और सी इसके साथ मिल गए, तो यहाँ पर कितना काम हो, 6 काम। इस प्रकार से पांच दिन में देखो ध्यान से, इस प्रकार से यहाँ पर पांच दिन में कितना काम खत्म हुआ, 6, 4, 10 काम। ठीक, कितना काम खत्म हुआ, 10 काम खत्म हुआ पांच दिन में। अब देखो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करो कि 60 काम कितने दिन में खत्म होगा, तो यहाँ पर देखो जब पांच दिन में खत्म हो रहा है 10 काम, तो देखो आप यहाँ पर पांचवें दिन केवल आएंगे बी और सी, चार दिन काम कर रहा है अकेले ए। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसमें आप इंटू करोगे जब इसको, कितना आपको काम करना, 60 काम, तो अगर इसमें आप इंटू कर दो 6 का, तो यहाँ पर भी 6 का इंटू हो जाएगा, इंटू 6 देखो ध्यान से, यहाँ पर भी इंटू कितने का हो जाएगा, 6 का, 6 दाम में कितना हो जाएगा, 60 काम, 60 काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर देखो जब 6 किस में इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का 30, इस 30 दिन में जो आपका यह काम है यह टोटल क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, 30 दिन। यहाँ पर देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या बोला था, जो ए है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम, और ए अकेले चार दिनों तो जब काम करेगा कितना काम खत्म कर देगा, चार काम। और पांचवे वाले दिन जब देखो पांचवा वाले दिन, पांचवा वाला जो दिन है अगर उसको एक दिन आप मानो, तो एक दिन में कितना वह काम खत्म कर देंगे, पांचवा वाले दिन ए के साथ बी और सी दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी, एक और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 2, 5 है। तो इस प्रकार से कितना काम इनका खत्म होगा, 6 काम। तब इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर पांच दिन का काम हमें पता चलेगा कि पांच दिन में जो टोटल जो इनका काम खत्म होगा वह कितना होगा, 10 काम। तो इस प्रकार से हमें यह जब पता चलेगा कि पांच दिन में खत्म हुआ 10 काम, हमें खत्म करना कितना, 60 काम, जब 10 से इसमें भाग देंगे कितने दिन में खत्म होगा, 6 दिन में, तो 6 काम इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 काम, और 6 से दिन वाले जो इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 30 दिन। टोटल मिला के 30 दिन में यह 60 काम आपका खत्म होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30 दिन। ठीक, अब नोट करो आप लोग इसे। चलो देखो सेम इसी क्वेश्चन की तरह आपका यह जो क्वेश्चन दिया है यह पाइपिंग सिस्टम से, ठीक, नल और टंकी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, जो आपका पाइपिंग सिस्टम का जो है टाइप है यह आपका टाइम एंड वर्क का ही एक अलग पार्ट है। ठीक, लेकिन यह सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, इसको आप लोग बनाइए। चलो देखो क्वेश्चन जो आपका दिया है कि एक नल किसी टंकी को, देखो यहाँ पर एक नल है जो किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक, और दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो यह सेम, देखो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड ही होता है। तो यहाँ पर जो सबसे दिया है, अगर नल ए को जो पहला वाला जो नल है उसको अगर आप मान लो ए, और जो दूसरा वाला नल है उसको अगर आप मान लो बी, जो पहला वाला जो नल है इस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में, और जो दूसरा जो नल है वह इस घंटे को, इस टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में। तो सबसे पहले इन दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, जब इसका हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस टंकी में टोटल कितना यूनिट जल भरेगा। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12। ठीक, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 से जब इसको हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट की, और यहाँ पर जब 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो ए है वह 1 घंटे में कितना यूनिट जल भर रहा है, 3 यूनिट, और यहाँ पर जो बी है वह कितना यूनिट जल भर रहा है, 2 यूनिट भर रहा है। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अगर ए और बी जो दोनों नल हैं, अगर ये दोनों एक साथ में खोले जाएँ, जब इन दोनों को हम एक साथ में खोलेंगे कि ए प्लस बी, जब इन दोनों नल को जब हम एक साथ खोलेंगे तो यह 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 यूनिट। ठीक, 5 यूनिट भरेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल जल कितना है, टोटल यूनिट कितना है, यहाँ पर 12 यूनिट, 12 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 सही। देखो 2 सही, कितना समय यहाँ पर लगा, 2 सही, 2/5 घंटे। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन आप यहाँ पर जो 2/5 है इसको आप मिनट में भी बदल सकते हो। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आवर। मिनट में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जब दिया जो दिया है कि 2/5
5, इसको जब आप मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे कर देंगे हम 6 का इंटू, तो 5 का नाम 5, 12 25 60, 12 दुनिया कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर 2 घंटा कितना हो जाएगा 24 मिनट। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, नोट करो इसे अब। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, बनाओ इसे अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, इसको आंसर आप लोग बताओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका कि एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे एक दूसरे, देखा यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम देखो कार्य करता है तो पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखो वह एक ही दिन काम को छोड़कर काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट वह काम कर रहे हैं दोनों लोग, कि एक दिन उसका पिता कर रहा है तो एक दिन उसका पुत्र, फिर उसका पिता फिर उसका पुत्र, ठीक। और यहाँ पर देखो जो कार्य को शुरू कौन कर रहा है, इसका पिता, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लो। यहाँ पर दिया क्या है कि उसका जो पिता है वह किसी काम को खत्म करते हैं, देखो किसी काम को खत्म करते हैं कितने 8 दिन में, ठीक, क्या बोला यहाँ पर, देखो एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है जबकि उसका पुत्र 7 दिन में पूरा करता है, और यहाँ पर जो उसका सन है पुत्र है वह कितने दिन में 7 दिन में पूरा करता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 56, ठीक। तो इस प्रकार जो उसका पुत्र है वह एक दिन में कर रहा है 8 काम और जो पिता है वह कर रहे हैं एक दिन में कितना काम 7 काम, यहाँ पर हमें पता चल गया इन दोनों की एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इसके पिता है यह इस कार्य को शुरू कर रहे हैं लेकिन यह दोनों क्या अल्टरनेट काम करेंगे, कि एक दिन इसके पिता काम करेंगे तो एक दिन इसका पुत्र, कि एक ही दिन यह छोड़कर काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका पिता जब इसके काम को शुरू करेगा तो इसका पिता जो है कि एक दिन में वह कितना काम को पूरा करेंगे 7 काम, यह आप जो दिया क्या है टोटल वर्क टोटल काम, ठीक। एक दिन में कितना काम करेंगे 7 काम खत्म करेंगे, तो यहाँ पर देखो यह पहले दिन कौन काम करेगा पिता, दूसरे दिन कौन काम करेगा, देखो अगले वाले दूसरे वाले दिन कौन काम करेंगे इसका सन, कितना काम करेगा वह 8 काम। तो इस प्रकार से 2 दिन में इन दोनों का काम कितना खत्म हुआ, ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 दिन में कितना 7 और 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15, 7 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 काम इनका खत्म हुआ, ठीक। टोटल काम आपको कितना यहाँ पर है 56 काम, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखो 15 में हम इंटू कर दे 15 3 45, 15 4 अगर 4 देखो इसमें अगर हम 4 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर 56 से ज़्यादा हो जाएगा, 15 4 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 3 का इंटू करेंगे इन दोनों में तो हमें पता चल जाएगा कि अल्टरनेट ये अल्टरनेट यहाँ पर देखो ये जब यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 6 दिन, ये अल्टरनेट जब ये दोनों काम करेंगे 6 दिनों तक तो कितना काम कम्प्लीट हो जाएगा 15 3 45 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना हमें पता चलेगा 6 दिन में इन्होंने कितना काम को कंप्लीट किया 45 काम। इस प्रकार से कितना काम बचा हुआ है, देखो टोटल काम कितना है 56 काम, 56 माइनस करेंगे हम 45 तो देखो बचेगा यहाँ पर कितना, जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बच जाएगा कितना 11 काम अभी शेष बचा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 6 दिन पूर हो गया कि यानी कि 6 दिनों में किसका काम लास्ट में खत्म हुआ, इसके पुत्र का। तो इसके अगला वाला कौन काम करेंगे, इसके पिता करेंगे, तो इसका पिता जो है अगले एक दिन काम करेंगे कितना, देखो यहाँ पर लिखो फादर, तो अगले वाले दिन जब एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे 7 काम, ठीक। तो यहाँ पर जब 7 को जब इसमें ऐड कर देंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो जब यहाँ पर 7 काम जब यहाँ पर पूर हो गया तो यहाँ पर कितना काम बचा 7 4 11 4 काम बचा हुआ है, ठीक। इसको हटाओ यहाँ से, जब इन्होंने जब 4 काम को खत्म किया तो यहाँ पर कितना काम अभी बचा हुआ है शेष 4 काम बचा हुआ। अब इस 4 काम को कौन पूरा करेगा, इसका पुत्र पूरा करेगा, जो पुत्र है वह एक दिन में कितना काम पूरा कर रहा है यहाँ पर 8 काम पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर शेष जो बचेगा, यहाँ पर देखो शेष कार्य जो बचा है 4 इसको पूरा करेगा इसका पुत्र, और इसका पुत्र जो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है 8, तो यहाँ पर इसको कितने दिन में खत्म करेगा 1/2 दिन में, ठीक। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसका अगला कितना हो जाएगा 1/2 दिन। यहाँ पर देखो 6 6 1 कितना हो जाएगा 7 7, सही देखो ध्यान से 7 सही 1/2 दिन में टोटल काम जो है खत्म होगा, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, इसको आप लोग नोट करो। अब
चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।